पालक का जूस कैसे फायदेमंद है और इसको पीने से शरीर को क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, पालक का जूस बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन इसके फायदे क्या हैं, हमें क्यों पीना चाहिए ये? देखिए, पालक एक हेल्दी सब्जी है, हरी सब्जी में उसका जो है लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम भी बार बार कहते हैं, लेकिन बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन ए आपने सुना होगा पालक में होता है, और विटामिन ए से हमारी जो है विजन इम्प्रूव होती है, हमारी दृष्टि आँखों की जो अच्छी होती है, तो उसमें फ़ायदा मिलता है। आयरन भी इसमें होता है, तो आयरन होने की वजह से हीमोग्लोबिन बनाने में ये लाभ करता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है या खून की कमी है तो उसमें लाभकारी होता है पालक का जूस। इसके अतिरिक्त जो है कैल्शियम भी इसके अंदर होता है, कैल्शियम और अनेक तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो हड्डियां मजबूत करने के लिए भी आप जो है इसका सेवन करें। इम्यूनिटी यानी कि ओजस को बढ़ाने वाला है पालक, इतने सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट सभी धातुओं को ये जो है पुष्ट करता है। धातुवर्धक है, बलवर्धक है, और साथ में जो है ओजवर्धक भी है, और एंटी एजिंग ये इसको कहा गया है। आजकल काफ़ी सारे ऐसे सुपर फूड्स आपने नाम सुने होंगे, जो कि मोस्टली जो है वो ऐसे फूड्स हैं जो जिसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रेक उस पर लगाते हैं। तो पालक का सेवन जो है केवल आप वैसे ही ना करें जैसे आप साग वगैरह बनाते हैं, उसका जूस भी बना सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल प्योर जूस पीने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ी गाजर मिला लीजिए, एक आंवला डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा अच्छा टेस्टी जूस आपका बनेगा, और चुकंदर डालेंगे तो और भी फायदा उससे आपको मिलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 01294040404। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeeva-ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।